तो यार गुड इवनिंग एंड हेलो एवरीवन बैक टू द चैनल। और अपना जो आज का वापस से पर्पस है, रेगुलर व्लॉग नहीं है, एक अपडेट उसी टॉपिक के ऊपर। फर्दर मोर जो अपना अगस्त्य चौहान वाला चल रहा है, तो जो अपडेट ये है कि यार फेक जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा आ रही हैं, बहुत ही ज़्यादा। लोग व्यूज़ के लिए क्या क्या नहीं डाल रहे हैं, क्या कुछ नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। इवन आमिर माजिद के जो फ़ैन है पर्सनली, मेरे को भी मेरी वीडियोस पे 4 ऐसे कमेंट आए थे जिसमें मेरे को गाली पड़ी, जिसमें मेरे को ऐसा बोला गया कि कुछ भी बोला जा रहा है या वॉट एवर इट इज़। वो मैंने लाइक पर्सनली उसको हाइड कर दिया वहाँ से, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि यार इस वाली कंट्रोवर्सी को मैं आगे एक्सटेंड करूँ, इसलिए मैंने उसके बाद कोई इस चीज़ के ऊपर वीडियो नहीं बनाई, ठीक है। दिल से सपोर्ट है अपना वहाँ पे, और मेरे को पता है यार क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, किस टाइप की दोस्ती होती है, किस टाइप की दोस्तियाँ नहीं होती है। ऑल दो प्रूफ्स किसी के पास अभी तक फाइनली नहीं आए हैं एकदम प्रॉपर तरीके से, बट यार एक बात बताओ, 5 राइडर्स में से 2 राइडर अगस्त्य के घर आए, ठीक है। पहली बात तो बहुत लेट आए, बट स्टिल आए। आने के बाद उन्होंने जो चीज़ें बताई हैं, यानी इवन अपने व्लॉग में भी, अगर आपको पता हो सूरज वर्मा लखनऊ से जो हैं, अगर आपने सैमी बीर बाइकर सैमी की वीडियो देखी हो, तो उसमें भी उसने जिसका रिकॉर्डिंग दिखा रखी है गोप्रो से रिकॉर्ड करके, उस पर भी सूरज वर्मा की रिकॉर्डिंग है। सूरज वर्मा के अपने चैनल पे जो उनकी रिकॉर्डिंग है, जहाँ पर खुद इस चीज़ को क्लियर कर रहे हैं कि यार आमिर माजिद को वहाँ होना चाहिए था। इवन वो तो डायरेक्टली बोल भी रहे हैं कि आमिर माजिद ने एक्सीडेंट होता हुआ देखा भी है। जब जो 7 राइड करने वाले ये चीज़ें बोल रहे हैं, तो हम लोग क्या हो सकते हैं यार, हमारी क्या इतनी हिम्मत या कुछ चीज़ें। हम तो फिर भी, मैं तो बहुत छोटा व्लॉगर कहूँगा अपने आप को, कि मेरे को तो उस चीज़ की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, ठीक है। वो लोग जब कुछ बोल रहे हैं तो कुछ तो सोच समझ के बोल रहे होंगे। सेकेंडली यार आमिर माजी तो बहुत अच्छा दोस्त था ना अगस्त्य का, तो अभी तक घर क्यों नहीं आया? और जो लोग घर आए, आप एक बार ये रिकॉर्डिंग देख लो। नोएडा से जेवर पहुंचे, जेवर पे उन्होंने कहा जहाँ पे हम लोगों ने ब्रेकफास्ट करा वही बताया था कि लोकेशन क्या है, उन्होंने हमें लोकेशन तक नहीं बताई थी। आपको ये नहीं बताया कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं किस वजह से खड़ा हूँ, मेरे को क्या पता है, उसने बताया ही नहीं। और जब हम लोग जेवर में पूछ रहे हैं कहाँ हो, तो ये लोग बता रहे हैं कि राजा और ये हमें दोनों दिल्ली के लिए निकल चुके हैं। भाई तो मैं कह रहा हूँ, अरे उसके घर वालों को बताएगा कुछ है क्या, कौन करेगा, नंबर किसके पास है? तो कह रहा आमिर बताएंगे। उसके 5 मिनट के बाद आमिर का फोन स्विच ऑफ, आमिर का फोन खुलता सीधे 1 बजे जब वो होटल पहुँच जाता है। हम लोग को तो लोकेशन भी नहीं पता थी। फिर मैं हम दोनों वापस गए मेरे वहाँ फ्लैट में, नोएडा में। वहाँ मैं सोच रहा हूँ कि किससे मैं पता लगा सकता हूँ कि कौन सा हॉस्पिटल में है। तो जहाँ अलीगढ़ के आसपास मेरा एक फ्रेंड था, मैंने उसको कॉल करी कि भाई ये बता, अगर यहाँ से 35 किलोमीटर के बीच में एक्सीडेंट होगा तो कहाँ जाएगा बंदा? तो उसने 5 मिनट के अंदर मेरे पास उसका मैसेज भी पड़ा है। उसने टोल पे कॉल करके पूछा, उसने कहा भाई कैलाश हॉस्पिटल है जहाँ पे जा सकते हैं, और अगर वहाँ से ट्रांसफर होता है सीधे नोएडा ही भागेंगे। तो हम दोनों एकदम रेडी हुए, चलो कार से चलते हैं कैलाश हॉस्पिटल। ये लोग से फोन करा हमने कि कैलाश हॉस्पिटल, ये लोग क्योंकि अंदर से सिटी के, हम लोग नोएडा के किनारे ही थे। तो हमने कहा हम लोग निकल रहे, तुम लोग आओ। तो उन्होंने कहा उनकी दीदी से हमारी बात हुई है, और उन्होंने कहा कि उसको पोस्टमार्टम के लिए ले गए। जो भी होता है ठीक है। हर बार उसकी बहुत स्टोरी होती है, हर बार कुछ आप लोगों को थाने से फोन आए हैं, पुलिस का फोन आया है आप लोगों को? मुझे बताओ दोनों जने अभी तक आ गया? एक सेकंड, दोनों को कॉल आया पुलिस का? आया ना कि भाई आपको वहाँ थाने आना पड़ेगा, इस तरह की बात है, आ गया ना? बस अगर अपने आप को तो क्रिमिनल का साथ मत दो। हम पहली बार उससे मिले थे, और पहली बार में ही मैंने इसलिए अपने वीडियो में पुट अप किया कि उस बंदे को वहाँ पहुँचना था, वो नहीं पहुँचा।
साथ ही ले लेते उसे, वो तो दिख गया था तुझे, वो तो दिख गया था। एक्चुअली थोड़ा वो एटीट्यूड वाला बंदा था कि मेरे जो 2.5 मिलियन है तो हमने तो हमने मैं उसकी नहीं बात कर रही, मैं अपने बच्चे की बात कर रही हूँ। तेरे को जब दिख गया था कि वो इनोसेंट सा बच्चा है, लगा या नहीं लगा उसकी बातों से एक्साइटमेंट एंड ऑल दिस, छोटा सा बच्चा, तो आपको क्या करना था भाई? एक मिनट के लिए जरा मोड़ ले गाड़ी को, फिर हम वापस आते राइड लेने, बोल सकते थे। उसका बॉन्ड जो था वो आमिर के साथ बना, 11 दिन उसने अपना प्रोटीन शेक भी बना के दिया, उसने जाके किसी काम वाले को पकड़ा दिया। कमरा सामान था वो आमिर के जो है अलग से कमरा 408 है ना, रूम नंबर 4 का। अच्छा वहाँ से वो अपना सामान लेके चला गया, जो दूसरा था मैंने वीडियो में बताया है, क्योंकि सैमी से मेरी बात हुई तो उसने बताया कि पहले उसने फुटेज देखने को मांगा, तो उसने ये कहा कि कल आके देख लेना। फिर अगले दिन जब ये लोग पहुंचे तो फोन ऑफ था, अगले दिन पहुंचे होटल तो पता चला रात में 5:30 बजे चेकआउट मार दिया। तो आपने देखा ये जस्ट एक रॉ फुटेज था उस चीज का, कि भाई वो लोग भी डायरेक्टली ये चीज़ नहीं बोल रहे, बट उनको भी पता है कि कौन गलत था कौन गलत नहीं था। तो मेरा ये मानना है कि यार पुलिस को अपना काम करना, तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो भी होगा लाइक सबके सामने आ जाएगा। अपने एंड से वो वाली चीज़ों को स्प्रेड मत करो, फेक न्यूज़ को स्प्रेड मत करो, ठीक है? ये वाली चीज़ें बहुत क्रिटिकल होती हैं यार, आपका कुछ बोल देना किसी के लिए कुछ और हो जाता है, ठीक है? तो वो वाली चीज़ें मत करो। और दूसरी बात, ज्यूरिस्डिक्शन को अपना पूरा वो करने दो यार, मतलब खुद से करने दो, खुद जज मत बनो, खुद मीडिया मत बनो, यूट्यूब को गंद मत बनाओ, ठीक है? व्यूज़ चाहिए, हज़ारों टॉपिक यार, मैं नीचे लिस्ट डाल दूंगा 10 ट्रेंडिंग वीडियो टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है? उनको जाओ, जो लोग यहाँ के भी नहीं है वो लोग भी इस चीज़ों के ऊपर इतनी वीडियो डाल रहे, ये नहीं आया वो नहीं आया वो नहीं कर रहा। अरे मैं तो देहरादून का यार, और इवन ग्राफिक एरा मेरे घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे, मतलब अगर मैं नंगे पैर भी जाऊंगा ना तो भी मेरा पैर छिलेगा तक नहीं और मैं कॉलेज पहुंच जाऊंगा ग्राफिक एरा, तब भी मैं वीडियो नहीं बना रहा हूं। अगस्त है तो फिर भी ग्राफिक एरा का ही लड़का है ना, मैं तब वीडियो नहीं बना रहा हूं। तो सोचो कि वो चीज़ें नहीं है कि आप मतलब व्यूज़ इकट्ठे करो वहां से, फेक न्यूज़ फैलाओ, वो सब चीज़ें नहीं करो यार। हाथ जोड़ के, मेरी हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट है, ठीक है? और ये व्लॉग नहीं है व्यूज़ के लिए नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है? मेरा तो अभी तक मोनेटाइजेशन भी नहीं हुआ है चैनल का, तो यार व्यूज़ के लिए तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा, ठीक है? बट सेंसेबल बनो, फेक चीज़ें मत फैलाओ, और सपोर्ट करो यार उनकी फैमिली को, सपोर्ट करो। बाकी जाने से पहले एक चीज़ और मैं बोलूँगा, आपने देख भी लिया होगा ड्रैगर Z900 के चैनल पे, उन्होंने बताया कि एक लास्ट राइड जो हम ट्रिब्यूट करेंगे अगस्त्य चौहान के लिए, कब क्या क्या वो सब उन्हीं के चैनल पर जाके देख लेना, मैं अपने में नहीं डालूंगा, अदरवाइज सब ये कहेंगे कि मैं भी उसके लिए कर रहा हूँ, ठीक है? वहाँ जाके देख लेना, उनके इंस्टा पे जाके देख लेना, सब पता चल जाएगा। जो भी होगा उस राइड पर चलेंगे इसी संडे, तो इस संडे यानी कि 14 तारीख को एक रैली होगी कावासाकी शोरूम से उनके घर तक, और 15th को जो है उनकी लास्ट रिचुअल यानी कि 13वीं है मंडे को। तो यार मेरा सबसे यही लाइक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग आओ, फैमिली को भी सपोर्ट करो, ये सब चीज़ें करो। बाकी जय माता दी।